हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट हॉट वर्क के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि हॉट वर्क यानी कि क्या होता है, हॉट वर्क करते वक्त हमें कौन से हजार का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, नेक फ्लेम यानी कि क्या होता है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में हम जानने वाले हैं, गैस कटिंग सेफ्टी के बारे में हम जानने वाले हैं, ग्राइंडिंग सेफ्टी के भी बारे में हम जानने वाले हैं, हॉट टैपिंग सेफ्टी के बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं, वेल्डिंग मशीन का हम कैसे इंस्पेक्शन कर सकते हैं ये भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं, गैस कटिंग सेट हो, बार बेंडिंग मशीन हो, इसका भी हम कैसे इंस्पेक्शन कर सकते हैं ये भी हम इसमें जानने वाले हैं, और फायर वाचर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है तो ये भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हॉट वर्क होता क्या है। हॉट वर्क यानी कि ऐसा काम कि उस काम के दौरान कोई भी स्पार्क हो या फिर इग्निशन हो उसका इस्तेमाल किया जाता है वो एक्टिविटी चालू करने के लिए, तो उसको हॉट वर्क कहते हैं। एग्जांपल है वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग। अब जानते हैं कि नेक फ्लेम क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप गैस कटिंग का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर जब आप स्पार्क लाइटर का इस्तेमाल करके वो जो कटिंग सेट है उसको जलाते हो तो वो जो कटिंग टॉर्च है वहाँ से आग निकलती है बाहर की तरफ, और वो ओपन कंडीशंस में रहती है और वो अनकवर्ड होती है, तो उसी को नेक फ्लेम कहते हैं। अब ये नेक फ्लेम है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है तो उसके कुछ पॉइंट्स है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वो जो नेक फ्लेम है उसको आपको कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग करनी है। फिर उसके बाद है कि जब भी आप उसका इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए आपके पास फेस शील्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि वो जो एरिया है उसको आपको स्क्रीन ऑफ करना है। फिर उसके बाद है फायर रिटार्डेंट ब्लैंकेट यानी कि फायर ब्लैंकेट का आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है फायर रेजिस्टेंट टेंट यानी कि कर्टन, यानी कि जो भी आपका जो एरिया है जहाँ पर आपको नेक फ्लेम का इस्तेमाल करना है वो उस एरिया को आपको फायर रेजिस्टेंट जो भी कर्टन है उसके साथ में उसको कवर करना है। फिर उसके बाद वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फायर वाचर होना चाहिए, प्रेशराइज फायर वाटर होज होना चाहिए, अच्छी वहाँ पर हाउसकीपिंग होना चाहिए, और वेल्डर का सूट, एफ्रॉन और ग्लोव्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए जब भी आपको नेक फ्लेम का इस्तेमाल करना हो। चलिए अब जानते हैं कि इस हॉट वर्क एक्टिविटी में कौन से हजार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि जब भी आप हॉट वर्क का काम करते हो तो वहाँ पर फायर और एक्सप्लोजन होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है स्पार्क, यानी कि स्पार्क निकलता है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोकेशन, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, वो एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है टॉक्सिक फ्यूम्स, यानी कि जब भी आप वेल्डिंग का काम करते हो तो वहाँ से जो भी फ्यूम्स निकलते हैं तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है बर्न्स यानी कि जलना, वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है इंफ्रारेड रेज, वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है आर्सिंग, फिर उसके बाद है कट्स, फिर है नॉइज़, और फिर है वाइब्रेशन। तो ये जो सारे हजार्ड्स हैं ये क्रिएट होते हैं हॉट वर्क की वजह से, ये सारे हजार्ड्स आपको बताने हैं टीबीटी के दौरान। चलिए देखते हैं कि अब इसमें कौन से प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, और वो जो प्रिकॉशंस है वो आपको हमेशा वहाँ पर फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले है कि जो भी वेल्डर वहाँ पर काम करेगा तो उसके पास प्रॉपर क्लोथिंग वहाँ पर होना चाहिए और उसने वो पहनना चाहिए। फिर उसके बाद है कि आई प्रोटेक्शन उसने पहनना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी हॉट वर्क का आप काम कर रहे हो उससे निकलने वाले जो भी फ्लैशेस है अगर उसका कोई इम्पैक्ट किसी वर्कर के ऊपर अगर हो रहा है तो उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि वहाँ पर फायर वाचर भी होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उस एरिया में जहाँ पर आपको कटिंग या फिर वेल्डिंग ऑपरेशंस करना है तो उस कंबस्टेबल मटेरियल को सबसे पहले आपको रिमूव करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी कनेक्शंस है वो सारे सिक्योर है क्या, यानी कि कपलिंग्स हो गया, फिटिंग्स हो गया, ये सारे आपको चेक करना है उस वर्क लोकेशन में। फिर उसके बाद है कि जो भी इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको काम शुरू होने से पहले आपको इंस्पेक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी स्पार्क्स हो या फिर स्लैग जो है वो क्रिएट होता है वेल्डिंग या फिर बर्निंग ऑपरेशन से तो उसको आपको कंटेन करना है, और वो आप कंटेन कैसे करोगे तो एक फायर बूथ बना के उसको आप कंटेन कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि जो भी वेल्डिंग लीड्स है या फिर जो बर्निंग होसेस है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, और वो आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे तो उसके ऊपर आप फायर ब्लैंकेट से कवर करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि जो भी आपके पास गैस सिलेंडर है उसको आपको स्टोर करना है अपराइट पोजिशंस में, उसके साथ में जो भी वॉल है उसको आपको कैप से कवर करना है। फिर उसके बाद है कि जैसे ही आपका हॉट वर्क का काम वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको वो जो एरिया है वहाँ पर जो भी डेब्रिज है उसको आपको क्लियर करना है। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपको टीबीटी के दौरान वर्कर लोगों को बतानी है। तो ये सारे जो प्रिकॉशंस है हम हॉट वर्क के दौरान ले सकते हैं।
वेल्डिंग हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेल्डिंग के क्या हजार्ड्स हैं। तो सबसे पहला हजार्ड आता है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि आग लगना या फिर एक्सप्लोजन होना। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है बर्न इंजुरी, यानी कि जलना। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है डस्ट एंड फ्यूम्स, यानी कि उससे निकलने वाली जो भी डस्ट है या फिर फ्यूम्स है वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है टॉक्सिक गैसेस। फिर उसके बाद का हजार्ड है सफोगेशन, यानी कि वेल्डिंग के दौरान सफोगेशन भी वहां पर क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है रेडिएशंस, यानी कि रेडिएशंस भी वेल्डिंग के दौरान निकलते हैं, वो भी हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड है हिस्ट्रेस। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है नॉइज एंड वाइब्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉइज होना या फिर वाइब्रेशन भी वहाँ पर हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है कट एंड बर्न इंजरी। तो ये जो सारे हजार्ड्स हैं ये वेल्डिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि वेल्डिंग के लिए हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी पर्सन पावर टूल्स का इस्तेमाल काम करने के लिए करने वाला है तो वो जो पर्सन है उसमें स्किल होनी चाहिए और बाकायदा वो ट्रेन होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि वेल्डिंग एरिया में जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उसको सबसे पहले रिमूव करना है, और जिस मटेरियल को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं उसको फायर ब्लैंकेट से कवर करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी वेल्डिंग मशीन है या फिर इक्विपमेंट है उसका प्रॉपरली अर्थिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर वेल्डिंग एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर आपको ट्रेन फायर वॉचर को असाइन करना है, और साथ ही में उस लोकेशन पर फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि डैमेज केबल और डिफेक्टिव जो भी इक्विपमेंट है उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेस के लिए ELCP जो है वो 30 mA की ही इंस्टॉल होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि वेल्डिंग के दौरान अगर वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन या फिर इल्यूमिनेशन नहीं है तो वहाँ पर आपको वेल्डिंग नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल्स अगर डैमेज कंडीशन में है तो उसको सबसे पहले रिमूव करना है या फिर उस पर डू नॉट यूज़ का टैग लगाना है। फिर उसके बाद है कि जो वेल्डिंग मशीन है उसका वैलिड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए और बाकायदा वो कलर कोडेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि वेल्डिंग के बग अगर ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है तो उसके लिए आपको एयर प्लग का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि मैंडेटरी PPE के साथ साथ जॉब रिगार्डिंग जो भी नेसेसरी PPEs है उसका भी इस्तेमाल वहाँ पर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर FRC का इस्तेमाल करना है, एफ्रॉन का इस्तेमाल करना है, फेस शील्ड का इस्तेमाल करना है, लेदर ग्लोव्स पहनना है और वेल्डिंग रेस्पिरेटर का इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस है ये आपको वेल्डिंग एक्टिविटी के वक्त लेने हैं। गैस कटिंग हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि गैस कटिंग एक्टिविटी में कौन से हजार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि आग लगना या फिर एक्सप्लोजन होना। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है लीकेज ऑफ गैस, यानी कि जो गैस है वो लीकेज भी हो सकती है। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है बैकफायर एंड फ्लैशबैक, यानी कि टॉर्च से जब गैस कटिंग करते हैं तब वो बैकफायर भी कर सकता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है बॉडी बर्न, यानी कि जो बॉडी है वो भी जल सकती है। फिर उसके बाद का हजार्ड है आई इंजुरी, यानी कि आंखों को इंजुरी भी हो सकती है। फिर उसके बाद का हजार्ड है लाइटेड ब्लो पाइप, यानी कि टॉर्च जो है वो खुद एक हजार्ड है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जहां पर भी गैस कटिंग हो रही है उस एरिया में जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उसको सबसे पहले रिमूव करना है, और अगर उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं तो उसको प्रॉपरली कवर करना है वो भी फायर ब्लैंकेट से, ताकि वहां पर फायर का कोई भी खतरा ना हो। फिर उसके बाद है कि वहां पर आपको फायर वॉच को असाइन करना है उस जॉब लोकेशन पर, और वो जो है जब तक वहां पर गैस कटिंग चलती रहेगी तब तक वहां पर कंटिन्यूअस फायर वॉच करता रहेगा। फिर उसके बाद है कि जो एडुकेट फायर प्रिवेंटिव मेजर्स है जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर बकेट में पानी होना या फिर सैंड होना, तो ये जो है वहां पर रखना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहां पर गैस कटिंग चल रही है उसके लिए फायर बूथ बनाना है, ताकि निकलने वाले जो भी स्पार्क है वो बूथ के बाहर ना जाए और उसके नियर बाय में जो भी एक्टिविटी हो रही है या फिर वहां पर जो भी पर्सन है उसको इफेक्ट ना हो। फिर उसके बाद है कि गैस कटिंग का अगर काम ना हो तो जो टॉर्च है और जो सिलेंडर्स है उसको शट ऑफ करना है। फिर उसके बाद है कि जो सिलेंडर के होजेस है उसको वर्किंग एरिया से प्रिवेंट करना है, यानी कि वो जो होजेस है वो किसी फ्लेम के, हीट के, स्पार्क के या फिर किसी हीट स्प्लैटर के कॉन्टैक्ट में ना आए। फिर उसके बाद है कि जो भी नेसेसरी PPEs है उसका हमेशा इस्तेमाल करना है, और साथ ही में जो स्पेशल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है और आई प्रोटेक्शन है उसका भी इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि जो सिलेंडर के होजेस है उसको शार्प एजेस हो या फिर एब्रेसिव जो भी सरफेसेस है उससे दूर रखना है। फिर उसके बाद है कि जो भी होजेस है उसके ऊपर कोई भी हॉट मेटल्स हो या फिर स्पैटर्स हो वो नहीं गिरना चाहिए।
फिर उसके बाद है कि सिलेंडर को केयरफुली हैंडल करना है और वो सिलेंडर को हमेशा अपराइट पोजीशन में ट्रॉली में ही रखना है और वहाँ पर उसको चेन के साथ सिक्योर करना है ताकि वो नीचे न गिर सके। फिर उसके बाद है कि सभी इक्विपमेंट को गुड कंडीशन में रखना है। फिर उसके बाद है कि सभी कनेक्शंस को और इक्विपमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहना है कि उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है, और ये जो चेकिंग है ये आप सोप सॉल्यूशन की मदद से कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि गैस कटिंग सेट को नियर बाय जो एरिया है जैसे कि ग्राइंडिंग हो या फिर वेल्डिंग हो उसके नज़दीक में नहीं रखना है। फिर उसके बाद है कि गैस कटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि उसके टॉर्च के साइड में और सिलेंडर के साइड में दोनों तरफ फ्लैशबैक अरेस्टर जो है वो लगा हुआ है। फिर उसके बाद है कि जो भी पर्सन गैस कटिंग का काम कर रहा है तो उसने जो बेसिक पीपी है उसको पहनना है, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट विथ फेस शील्ड हो गया, ब्लैक ग्लास विथ अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन हो गया, लेदर ग्लोव्स हो गया, लेदर एफ्रॉन हो गया और सेफ्टी शूज़ हो गया। फिर उसके बाद है कि इनकेस अगर बैकफायर हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले जो टॉर्च वॉल है उसको शट ऑफ करना है, उसमें ऑक्सीजन का सबसे पहले करना है और फिर उसके बाद जो फ्यूल गैस है उसका करना है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन और जो फ्यूल गैस सिलेंडर है उसके वॉल को शट ऑफ करना है। फिर उसके बाद उस टॉर्च को कूल होने देना है और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके ऊपर पानी डालकर उसको कूल करना है। फिर उसके बाद जो भी इक्विपमेंट है वो कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है, खास तौर से जो नोजल है उसको भी चेक करना है। तो इस प्रकार जो है आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है। ग्राइंडिंग एक्टिविटी के हजार्स, कॉमन कॉजेस एंड प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्राइंडिंग एक्टिविटी के वक्त कौन से कॉमन हजार्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है फ्लाइंग पार्टिकल्स, क्योंकि जब आप ग्राइंडिंग करते हो तो वहां पर हाई स्पीड होती है तो उसकी वजह से फ्लाइंग पार्टिकल्स जो है वो हजार्ड क्रिएट होता है। तो उसमें है कि ग्राइंडिंग के वक्त ग्राइंडिंग जो व्हील होता है उसमें से ही कोई जो पार्टिकल्स है वो फ्लाई हो सकता है, या फिर जिस किसी ऑब्जेक्ट पर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट से भी हाई स्पीड में फ्लाइंग पार्टिकल्स निकलते हैं। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है डस्ट और फ्यूम जनरेट होना। फिर उसके बाद का हजार्ड है फायर। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है वो है एक्सप्लोजन। फिर उसके बाद का हजार्ड है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि जो भी अगर डिफेक्टिव अगर पावर कॉर्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है नॉइज, यानी कि ग्राइंडिंग के वक्त बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है वो उसमें हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर आप कंटिन्यू ग्राइंडिंग का अगर काम कर रहे हो तो उसकी वजह से ये हजार्ड क्रिएट होता है, या फिर अगर ऑकवर्ड बॉडी पोजिशंस है तो उसकी वजह से भी ये हजार्ड क्रिएट होता है। चलिए अब जानते हैं कि ग्राइंडिंग इंसिडेंट के क्या कॉमन कॉजेस है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ग्राइंडिंग के लिए गलत व्हील का इस्तेमाल करना। फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर माउंटिंग ग्राइंडिंग व्हील की हो या फिर गार्ड की। फिर उसके बाद है पीपीई का सही तरीके से इस्तेमाल न करना। फिर उसके बाद है केयरलेस हैंडलिंग, यानी कि ग्राइंडिंग मशीन्स को अच्छे से हैंडल न करना। और फिर उसके बाद है ग्राइंडर का सही तरीके से इस्तेमाल न करना। तो ये जो सारे कॉजेस है इसकी वजह से ग्राइंडिंग इंसिडेंट होते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो ट्रेन पर्सन है उसी ने ही ग्राइंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो ग्राइंडर मैन है जो ग्राइंडिंग का काम कर रहा है तो उसने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन देना है और उसने हमेशा अलर्ट रहना है। फिर उसके बाद है कि ग्राइंडर मैन ने जब भी वो ग्राइंडिंग का काम करता है तो उस समय सेफ्टी ग्लासेस और फेस शील्ड का हमेशा इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडर मैन ने क्लोज फिटिंग वाले सेफ्टी ग्लोव्स का ही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडर मैन ने कवरऑल का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी ग्राइंडर मैन ग्राइंडिंग का काम कर रहा है तो उसने ग्राइंडर को अच्छे से हैंडल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडर मैन ने जब वो ग्राइंडिंग का काम कर रहा है तो उस ग्राइंडर को उसका जो हैंडल है उससे ही उसको पकड़ना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी डैमेज व्हील है या फिर डिस्क है उसने उसको इमिडिएटली चेंज करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडिंग मशीन्स का जो गार्ड है उसको कभी भी रिमूव नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडर अगर डैमेज है तो इमीडिएटली उसको रिप्लेस करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडिंग मशीन्स में अगर कोई एडजस्टमेंट करना हो या फिर कोई एसेसरीज को चेंज करना हो तो सबसे पहले उसकी जो प्लग है उसको डिस्कनेक्ट करना है पावर सोर्स से। फिर उसके बाद है कि आपको एयर प्लग का भी इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि वहां पर अगर डस्ट या फिर फ्यूम्स अगर क्रिएट हो रही हो तो उसके लिए उसने मास्क का इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारे प्रिकॉशंस है ये आपको लेने हैं। हॉट टैपिंग क्या होता है, उसके हजार्ड्स क्या है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हॉट टैपिंग होता क्या है। हॉट टैपिंग, जिसे प्रेशर टैपिंग भी कहते हैं,
ये एक ऐसी मेथड है कि जिसमें जो एग्जिस्टिंग पाइपिंग होती है या फिर जो प्रेशर वेसल्स होता है उसमें कनेक्शंस किया जाता है, और उस कनेक्शंस के दौरान ये जो एग्जिस्टिंग पाइपिंग है और ये जो प्रेशर वेसल्स है इसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं किया जाता या फिर इसको एम्प्टी भी नहीं किया जाता, यानी कि वो जो सर्विस है वो टोटल चालू कंडीशंस में होती है, यानी कि रनिंग कंडीशन में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वो पाइप है या फिर जो भी टैंक है उसमें कंटिन्यू ऑपरेशन हो सकता है जब भी उसमें मेंटेनेंस या फिर मॉडिफिकेशंस किया जाए। चलिए अब जानते हैं कि हॉट टैपिंग एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला हजार्ड है प्रॉपर्टी डैमेज, यानी कि फायर एंड एक्सप्लोजन। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इग्निशन सोर्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि फ्लेम, हीट, स्पार्क्स, मोल्टन मेटल या फिर जो डायरेक्ट फ्लेम्स है, इसका जब आप इस्तेमाल करते हो और वो भी कम्बस्टेबल एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से फायर और एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है डैमेज और डिफेक्टिव पार्ट्स। उसको अगर आपने काम शुरू होने से पहले रिप्लेस नहीं किया तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है ऑक्सीफ्यूल इक्विपमेंट। हॉट टैपिंग का काम शुरू करने से पहले जो भी आपके पास ऑक्सीजन और एसिटिलिन सिलेंडर्स होते हैं उसको आपको बाकायदा चेक करना है। उसमें अगर सफिशिएंट मटेरियल नहीं है और अगर आपने काम शुरू कर दिया तो उस वक्त वो बैकफ्लो होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और हॉट टैपिंग ऑपरेशन के वक्त अगर सडनली ये जो सिलेंडर है वो अगर एम्प्टी अगर हो जाता है तो उसकी वजह से जो प्रेशर सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाती है, और जो सिलेंडर के जो होज होते हैं उसमें ऑक्सीजन और जो फ्यूल है वो मिक्स हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फ्लैशबैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस फ्लैशबैक में क्या होता है कि जो गैस का जो फ्लो होता है वो रिवर्स होता है, और वो रिवर्स होने के कारण वो जो गैस का फ्लो है वो टॉर्च से होते हुए होज में जाता है, और फिर होज से होते हुए रेगुलेटर में जाता है, और रेगुलेटर से होते हुए वो सिलेंडर में जाता है, और उसकी वजह से उसमें एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी को ही फ्लैशबैक कहते हैं। हॉट टैपिंग का काम अगर आप किसी वेसल में या फिर पाइपिंग में या फिर टैंक में करते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको कोई उसमें कम्बस्टेबल वेपर है क्या या फिर कोई फ्लेमेबल मटेरियल है क्या वो आपको चेक करना है। अगर उसकी अवेलेबिलिटी है और उसके बाद अगर आप कोई काम करते हो, यानी कि इग्निशन सोर्स का इस्तेमाल करते हो, तो उस वक्त वहाँ पर फायर और एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है पर्सनल इंजुरी। जब भी आप हॉट टैपिंग का काम करते हो तो उस वक्त आपकी जो स्किन है या फिर जो आईज है वो बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो एक्टिविटी के साथ होता है, और साथ ही में इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो ये इनके डायरेक्ट हजार्स है। फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी कि जब भी आप हॉट टैपिंग का काम ऐसी जगह पर कर रहे हो कि जहाँ पर कोई टैंक हो या फिर वेसल हो या फिर पाइपलाइन हो, वहाँ पर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन अगर नहीं मिल रही है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है इनसफिशिएंट पीपी, तो वो भी एक हजार्ड है, यानी कि हॉट टैपिंग के वक्त आपको जो रिलेवेंट पीपीज है वो अगर आपके पास नहीं है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है केमिकल रिलीज, यानी कि उसका इन्वायरमेंटल के ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो भी एक हजार्ड है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप हॉट टैपिंग का काम करते हो तो वहाँ पर जो भी फायर्स है या फिर जो एक्सप्लोजन्स है और जो भी इक्विपमेंट डैमेज होता है तो उसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है, जैसे कि उस फायर से या फिर एक्सप्लोजन से या फिर जो इक्विपमेंट डैमेज है वहाँ से जो भी रिलीज होती है, जैसे कि कोई वेपर हो, गैस हो या फिर वाटर पाइपलाइन हो, उसमें से वो रिलीज होके एयर में, सॉइल में या फिर वाटर में मिक्स हो जाती है, और जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर हो जाता है। तो इन सारे हजार्ड्स का सामना आपको करना पड़ता है जब भी आप हॉट टैपिंग एक्टिविटी करते हो। चलिए बात करते हैं कि हॉट टैपिंग के वक्त आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए PTW, यानी कि परमिट टू वर्क। कोई भी हॉट टैपिंग एक्टिविटी का काम शुरू करने से पहले आपके पास PTW होना चाहिए। फिर उसके बाद है उसके रिलेवेंस डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि उसका JSA हो या फिर हीरा हो या फिर TRA हो, और फिर आपके पास में वर्क मेथड स्टेटमेंट भी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर भी आपका हॉट टैपिंग का काम शुरू है, मान लीजिए कि वो हॉट टैपिंग का काम आपका वर्क एट हाइट पर है, तो उसके नीचे में आपको बैरिगेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि जो भी टीम हॉट टैपिंग का काम करने वाली है उनको फॉर्मल ट्रेनिंग देना है उस वर्क एक्टिविटी के बारे में, और साथ ही उनको वर्क इंस्ट्रक्शन भी देना है।
फिर उसके बाद है कि जो भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल आप हॉट टैपिंग के लिए कर रहे हो, तो वो सारे जो इक्विपमेंट्स है उसको आपको टूल बॉक्स में रखना है स्टोर करके, ताकि वो जो इक्विपमेंट्स है वो वर्क एट हाइट से नीचे गिरने से आप बचा सको। फिर उसके बाद है कि प्रॉपर सुपरविजन वहां पर होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी सिलेंडर का इस्तेमाल आप कर रहे हो, जैसे कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो गुड कंडीशंस में होने चाहिए और बाकायदा वो वर्टिकल पोजीशन में होने चाहिए और उनको सिक्योर आपको करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी आपके पास कटिंग सेट है उसके जो होज है वो प्रॉपर कंडीशंस में होने चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी कट या फिर वो डैमेज कंडीशन में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी कटिंग सेट है उसका प्रेशर गेज आपको चेक करना है और ये इंश्योर करना है कि वो जो प्रेशर गेज है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है और वो अच्छे कंडीशन में है। फिर उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि जो सिलेंडर साइड है और जो टॉर्च साइड है उन दोनों साइड में आपको फ्लैशबैक अरेस्टर प्रोवाइड कराना है। और फिर उसके बाद है प्रॉपर पीपी। वेल्डिंग मशीन का हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपके सामने में ये वेल्डिंग मशीन है। जब भी हमारे साइड पर कोई अगर नई वेल्डिंग मशीन आती है या फिर दूसरे साइड से कोई अगर पुरानी वेल्डिंग मशीन आती है, तो उसको काम में लाने से पहले हमें उस वेल्डिंग मशीन का इंस्पेक्शन करना होता है। तो चलिए अब हम पॉइंट वाइज जानते हैं कि उस वेल्डिंग मशीन का जब भी हमें इंस्पेक्शन करना है तो उसमें क्या क्या पॉइंट जो है वो हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उस वेल्डिंग मशीन में हमें चेक करना है कि उसमें ऑन ऑफ जो नॉब है, यानी कि जिसे हम ऑन ऑफ की जो स्विच है वो कहते हैं, तो वो वहां पर है कि नहीं है वो हमें चेक करना है। और उसमें चेक करना है कि उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि वेल्डिंग मशीन में जो रेगुलेटर है उसके साथ में इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि जो वेल्डिंग केबल्स है जो हम कनेक्ट करते हैं वेल्डिंग मशीन के साथ में, तो उस वेल्डिंग केबल्स को जब भी हम वेल्डिंग मशीन के साथ में अटैच करते हैं, लगाते हैं, तो वो जो जॉइंट्स है वहां पर लग्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वेल्डिंग केबल्स का जो इंसुलेशन है तो उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि इलेक्ट्रोड रॉड का जो होल्डर है और अर्थिंग जो होल्डर है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए और वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वो जो वेल्डिंग मशीन है तो उसमें जो हम पावर सप्लाई लगाते हैं, तो पावर सप्लाई के लिए वहां पर इंडस्ट्रियल टाइप जो प्लग है उसका ही वहां पर इस्तेमाल होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वेल्डिंग मशीन का जो इंटरनल लाइव इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, वो फुल्ली कवर होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वेल्डिंग मशीन के लिए 30 मिली एम्पियर ELCB का ही इस्तेमाल होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वेल्डिंग मशीन की जो ट्रॉली है तो ट्रॉली में जो व्हील्स लगे हुए हैं तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये हमें वेल्डिंग का जब भी हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें चेक करने होते हैं। गैस कटिंग सेट का हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपके सामने में ये जो है ये गैस कटिंग सेट है जिसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरा एसिटिलीन सिलेंडर है। अब हमारे साइड पर जब भी नया गैस कटिंग सेट आता है तो उसका हमें काम करने से पहले सबसे पहले इंस्पेक्शन करना होता है। तो उस इंस्पेक्शन के दौरान हमने क्या पॉइंट्स चेक करने चाहिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी सिलेंडर हमारे पास है तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव वॉल कैप है क्या, वो हमें चेक करना है। और वो जो वॉल कैप है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए या फिर क्रैक नहीं होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो वॉल है उसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, लेकिन एसिटिलीन सिलेंडर का जो वॉल है उसके ऊपर कैप नहीं लगी है। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि दोनों सिलेंडर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव वॉल कैप होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि दोनों जो सिलेंडर है, यानी कि ऑक्सीजन का और एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर है, तो उसके ऊपर प्रेशर गेजेस लगे हैं क्या, वो भी दो, और वो भी वर्किंग कंडीशन में है क्या, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर फ्लैशबैक अरेस्टर लगे है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर NRV यानी कि नॉन रिटर्न वॉल जो है वो प्रोवाइडेड किया है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है।
फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि जो होजेस हैं, यानी कि एसिटिलीन गैस का जो होज है और ऑक्सीजन गैस का जो होज है, तो उन दोनों होज को टाइट किया है क्या, वो भी जुबली क्लैंप से, वो हमें चेक करना होता है। अब कई इंडस्ट्री में क्या होता है कि जुबली क्लैंप वहाँ पर अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन कई इंडस्ट्री में जुबली क्लैंप का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब आप एडनॉक में काम करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर जुबली क्लैंप का इस्तेमाल नहीं होता है गैस होजेस को टाइट करने के लिए। लेकिन अगर हम इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर कंपनी में जुबली क्लैंप का ही इस्तेमाल किया जाता है गैस होजेस को टाइट करने के लिए, तो वो प्रॉपरली टाइट है क्या, वो भी हमें यहाँ पर चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि जो भी दोनों होजेस हैं उसमें कोई भी डैमेज है क्या, वो हमें चेक करना है, यानी कि उसमें कोई कट है क्या या फिर क्रैक है क्या, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि दोनों सिलेंडर को ट्रॉली में रखा है क्या, और वो जो दोनों सिलेंडर है उसको प्रॉपरली चेन के साथ सिक्योर किया गया है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है ट्रॉली के टायर के कंडीशन को, और उसमें चेक करना है कि उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि इंडस्ट्रियल टाइप जो लाइटर है उसकी अवेलेबिलिटी है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है, यानी कि टॉर्च को लगाने के लिए हमारे पास इंडस्ट्रियल टाइप लाइटर ही होना चाहिए। वहाँ पर हमें मैच बॉक्स का हो या फिर कमर्शियल जो भी लाइटर्स हो उसका वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना होता है। और फिर उसके बाद है कि कटिंग सेट चेक होने के बाद हमें चेक करना है कि जो भी कटिंग एरिया है उसको प्रॉपरली बैरिकेडेड किया है क्या, और उसमें वार्निंग बोर्ड जो है वो डिस्प्ले किया गया है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। तो इस तरीके से हम गैस कटिंग सेट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बार बेंडिंग मशीन का हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपके सामने में ये जो है ये बार बेंडिंग मशीन है, जिसका हम इस्तेमाल ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट में स्टील को यानी कि बार को बेंड करने के लिए करते हैं। तो इस मशीन का हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो आइए पॉइंट वाइज जानते हैं। तो पॉइंट नंबर वन है कि मशीन के ऊपर क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया है क्या कि उसका नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, तो वो जो बैच है वो वहां पर क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया है क्या, वो हमें देखना होता है। जैसा कि आप मशीन के ऊपर पॉइंट नंबर जो वन है जो मार्क किया गया है उसके जरिए देख सकते हो। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर टू आता है कि जो मशीन है उसको फर्म जो बेस एरिया है उसके ऊपर इरिटेट किया गया है क्या, उसको आपको चेक करना है। जैसा कि आप इमेज में पॉइंट नंबर टू जो है उसको देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि मशीन को प्रॉपरली ग्राउटेड किया है क्या, और उस मशीन के बेस को व्हील स्टॉपर लगाए हैं क्या, प्रोवाइड किए गए हैं क्या, वो भी आपको चेक करना है। जैसा कि आप इमेज में पॉइंट नंबर तीन को देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि मशीन के लिए बॉडी अर्थिंग प्रोवाइडेड किया है कि नहीं किया है, जैसा कि आप पॉइंट नंबर फोर में देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि मशीन के लिए जो हम पावर सप्लाई देते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, तो वहां पर एमसीबी या फिर ईएलसीबी से उसका पावर सप्लाई दिया है क्या, कनेक्टेड किया है क्या, वो हमें चेक करना होता है। जैसा कि आप इमेज में पॉइंट नंबर फाइव देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिकल केबल की कंडीशन जो है वो अच्छी है कि नहीं है, वो भी हमें चेक करना होता है, तो ये आप पॉइंट नंबर सिक्स में देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि मशीन को गार्ड किया है कि नहीं किया है, जैसे कि मशीन के अंदर जो बेल्ट है या फिर अदर जो इंटरनल मूविंग पार्ट्स है वो कवर है कि नहीं है या फिर वो गार्डेड है कि नहीं है, वो भी हमें चेक करना होता है, तो पॉइंट नंबर सेवन में आप ये देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि इमरजेंसी स्विच जो है वो अवेलेबल है क्या, और अगर अवेलेबल है तो वो वर्किंग कंडीशन में है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है, जैसा कि आप पॉइंट नंबर एट में देख सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि पावर ऑन ऑफ स्विच जो है उसके साथ में जो इंडिकेटर लाइट है वो वहां पर अवेलेबल है क्या, और वो भी वर्किंग कंडीशन में, वो हमें चेक करना होता है, जैसा कि आप पॉइंट नंबर नाइन में देख सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मशीन के दोनों साइड में हैंड गार्ड्स अवेलेबल है क्या, वो हमें चेक करना होता है, जैसा कि आप इमेज में पॉइंट नंबर 10 को देख सकते हो। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है लिमिट स्विचेस को कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, और ये जो लिमिट स्विचेस हैं ये जॉ प्लेट के दोनों साइड के नीचे होते हैं। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मशीन से कोई ऑयल लीकेज होता है क्या, वो हमें चेक करना होता है, जैसा कि आप इमेज में पॉइंट नंबर 12 जो है वो देख सकते हो। तो इस प्रकार जो है ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए जब भी आपको बार बेंडिंग मशीन का इंस्पेक्शन करना हो। फायर वॉचर यानी कि क्या होता है और फायर वॉचर की क्या जिम्मेदारी होती है? तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर वॉचर यानी कि होता क्या है।
तो फायर वॉचर, जिसे हम फायर वॉच भी कहते हैं, यानी कि जिसका काम होता है फायर को वॉच करना। अब जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फायर वॉचर यानी कि एक ऐसा वर्कर होता है जो बाकायदा ट्रेन होता है, जिसे असाइन किया जाता है ऐसे एरिया में जहां पर हॉट वर्क का काम होता हो, और वहां पर उस हॉट वर्क को उसको एविडेंस करना होता है, उसको देखना होता है कि वहां पर कोई एक्सीडेंटल फायर हो तो नहीं रही है। तो ये देखने का जो काम है ये फायर वॉचर का होता है। चलिए अब हम इसे और एक डेफिनेशन से समझते हैं। तो फायर वॉच एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रोवाइड करता है एरियाज के सर्वेलेंस को, जहां पर भी हॉट वर्क का काम होता हो, जैसे कि वेल्डिंग का काम हो या फिर कटिंग का काम हो, जो टॉर्चेस के जरिए किया जाता हो। तो ऐसे जो हॉट वर्क का जो एरिया होता है उसको सर्वेलेंस करने का जो काम है वो फायर वॉच का होता है। फायर वॉच जो वर्कर है वो वेल्डिंग टीम का पार्ट भी हो सकता है, और उसे ये मेक श्योर करना होता है कि जो भी वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहे हो या फिर कटिंग ऑपरेशन हो रहे हो, तो उससे जो भी सुलगती हुई जो आग है वो वहाँ पर क्रिएट ना हो, वो उसे मेक श्योर करना होता है। अब मेन जॉब जो है वो फायर वॉचर का वो ये होता है कि उसे जो है इन केस एनी इमरजेंसी में जो है अलार्म को साउंड करना होता है, यानी कि अलार्म को रेज करना होता है, ताकि जो भी फायर फाइटर्स है उसे वहाँ पर लाया जा सके। फायर वॉचर जो है वो फायर को कंट्रोल करने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन ये इसका प्राइमरी रोल नहीं होता है कि फ्लेम के साथ जो है उसको फाइट करना हो, लेकिन सिंपली उसे ये देखना होता है कि जो भी प्रोफेशनल्स है उन लोगों को वो अलर्ट कर सके, ताकि वो जो प्रोफेशनल पर्सन्स है वो वहां पर आकर वो जो आग है उसको टेक केयर कर सके। और अगर स्मॉल टाइप की फायर हो जो फायर एक्सटिंग्विशर से अगर बुझा जा सकती हो, तो वो अगर बुझाने में अगर सक्षम है, ट्रेन है, तो उस आग को बुझा भी सकता है। जो भी फायर वॉचर है या फिर फायर वॉच है उसकी जो पोजीशंस है, तो उस पोजीशंस के अलावा वो दूसरा कोई भी काम जो है या फिर टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि फायर वॉचर की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी हॉट वर्क वहां पर चल रहा है, जहां पर जो भी हजार्डस कंडीशंस है, तो वहां पर उसको वॉच करने का जो है वो प्राइमरी उसका काम होता है, और वो हॉट वर्क को वहां पर स्टॉप भी कर सकता है इन केस अगर पोटेंशियल फायर हजार्ड वहां पर डेवलप होती है तो। फिर उसके बाद है कि वहां पर फायर एक्सटिंग्विशिंग जो भी इक्विपमेंट्स है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या फिर फायर ब्लैंकेट हो गया, तो वो वहां पर उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, और वो जो फायर वॉचर है वो वेल ट्रेन होना चाहिए, ताकि उसको इसका जो कैसे इस्तेमाल करना है वो उसको आना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि फायर वॉचर जो है वो फैमिलियर होना चाहिए फैसिलिटीज से, और जो भी अगर इनकेस अगर वहां पर फायर होता है तो उस केस में अलार्म को कैसे रेज करना है, उसकी क्या प्रोसीजर है, वो भी उसको पता होना चाहिए, ताकि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उसको वो नोटिफाई कर सके। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी परमिट में जो भी कंडीशंस दिए गए हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स है जो वहां पर मेंशन किए गए हैं, उन सबको मेंटेन करने का भी रिलेटेड टू फायर, वो भी फायर वॉचर का काम होता है। फिर उसके बाद है कि जो भी इंटायर वर्क एरिया है जहां पर भी हॉट वर्क का काम चल रहा है, तो उसको इंस्पेक्ट करने का जो काम है वो फायर वॉचर का होता है, और वहां पर उसको ये देखना होता है कि कोई पोटेंशियल जो फ्लेमेबल वेपर्स हो या फिर लिक्विड्स हो वो कहीं वहां पर रिलीज तो नहीं हो रहे हैं, वो वहां पर उसको देखना है। तो वो उसको हर एक जो शिफ्ट होती है उसके पहले भी देखना है, उस शिफ्ट के दौरान भी देखना है, और उस शिफ्ट के खत्म हो जाने के बाद भी देखना है। यानी कि आप कह सकते हो कि काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम के बाद भी जो है उसको वहां पर इंस्पेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी फायर प्रूफ शील्ड हो या फिर ब्लैंकेट हो वो वहां पर प्लेस में होने चाहिए या फिर वहां पर रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के दौरान उसका इस्तेमाल किया जा सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब तक हॉट वर्क का काम चल रहा है, यानी कि जो जॉब है वहां पर चल रहा है, तब तक जो है फायर वॉचर को उस जॉब साइट को छोड़ना नहीं है। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जॉब खत्म हो जाने के बाद वहां पर उसको उस जॉब पर 30 मिनट्स जो है वहां पर कांस्टेंट जो है वहां पर रहना है और वॉच करना है, और उस 30 मिनट्स में उसमें उसको ये देखना होता है कि कहीं पर आग लगी तो नहीं है, या फिर ऐसी वहां पर कोई हिडन जो है आग तो नहीं लगी है जो छोटी आग को बड़ी आग कर सके। तो इसको वॉच करने के लिए जॉब कंप्लीट हो जाने के बाद भी जो है 30 मिनट्स तक फायर वॉचर को वहां पर कांस्टेंट जो है वहां पर अटेंडेंट बनकर वहां पर रहना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ऑल अबाउट हॉट वर्क के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।